बेहोन खाब मेरे टा गया तैनू नजरां तो काला टिक्का लाउंदी सी तू अखों ले चिट्टा ला गया पुत्रा अखों ले चिट्टा ला गया हो कदे बन के पैण परावां दी औरत है एक नाम वफादा सच्ची तस्वीर वफावां दी हो पूंजा वर्गियां परौणियां तियां आ तेरे दो दिन वे औरत का सत्कार करो जड़े बंदे ने जड़े मर्द ने ड्यूटियां करते हैं नौकरियां करते हैं दिहाड़ियां करते हैं रिक्शा वाले स्टैंड ले लेंगे पर कलाकारों का कोई स्टैंड नहीं है मतलब मैं तो ना दिमाग जी गल की जानती है मैं तो होका दे ही जाना कहते डॉटर्स आर नो टेंशनस डॉटर्स आर नो टेंशनस डॉटर्स आर इक्वल टू टेंशनस सो धियाँ टेंशन नहीं होंगे एक धी दस पुत्तों के बराबर होंगे सत श्री अकाल जी मैं हाँ तुहाडी अपनी राधिका शर्मा तो एतिमान चैनल वेख रहे सारे दर्शकों का करदी हां निक्का स्वागत सो पहुँच चुके हैं जी मस्त शहनशाह पीर सच्ची सरकार हजूर शाह जी तो खजूर शाह जी जो कि जिन्हां दे मुख्य सेवादार ने बीबा बलजीत कौर मोहाली जिहड़े कि एक सिंगर भी ने सो इत्थे सामदे ने अज तियां दी लोहड़ी का त्यौहार वो मना रहे ने तियां नूं लोहड़ी वंड के छोटी छोटी तियां नूं गर्म कपड़े वंड के सो आओ असीं गलबात करांगे तो देखांगे तो बहुत ही वधिया मैसेज दे रहे ने जिथे पुत्तां दी लोहड़ी सारे मनांदे ने कि क्यों ना असीं तियां दी वी लोहड़ी मनाउणा शुरू करिए क्यों तियां नूं हले वी निषेध समझिया जांदा है तियां नूं प्यार करिया करो क्योंकि पुत सच्ची जमीन बनाते हैं तो तियां दुख बनाया ने सो तियां की भी लोहड़ी मनाया करो सो आओ तुहानूं दिखाते हैं कि बीबा बलजीत कौर मोहाली जी वालों तियां का लोहड़ी का त्यौहार किवें मनाया जा रहा है एक लाचार मां लाचार परिवार च ब्याही चली जाती है अगे सस्ते घर वाला कहता पे नहीं कोई मुंडे चाहिए कुड़ी नहीं चाहिए वो कहती कुख कहती मैं कहदी नन्नी छां वे लोको मैं कहदी नन्नी छां मास मेरे दिया नित बोटियां लोचन काले कां मैं कहदी नन्नी छां वे लोको मैं कहदी नन्नी छां कहती मां मेरी नू चेक करवाया प्यो मेरे तो चेक कटवाया ओए जब डॉक्टर दे खाते आया कदो होया मेरा तां मैं कादी नन्नी छां वे लोको मैं कादी नन्नी छां कहती चिट्टियां कोटा वाले आ गए चिट्टियां कोटा वाले आ गए पल विच मेरी होंद बटा गए ओ कट कट विच लफाफे पा गए रहे बिलकदी मां मैं कादी नन्नी छां वे लोको मैं कादी नन्नी छां ते दिन चढ़ता बंदा कहता चाह बात जी मेरे पर अखबार चक लिया और कड़ी अखबार लाई हुई है कहने दिन चढ़ते छपिया अखबार ओ चस्के ले ले करन बचार आज एक होर न्याणी लभी कूड़े वाली थां मैं कादी नन्नी छां वे लोको मैं कादी नन्नी छां सो गल से पेटी दा सत्कार करो ये सब जेड़ से मालक दी है एक असी जो कुख च पैदा हो तो धी नू मारदे आ ओ जमदी पहले किसी दी धी हुंदी है तुसी एक रिश्ता नहीं खत्म करदे जे धी दा कुख च कतल कराउंदे हो ते एक रिश्ता नहीं खत्म करदे तुसी अपनियां आउण वालियां कई पीढ़ी दे रिश्ते खत्म कर दिंदे हो धी जमदी है ओ किसी दी धी किसे दो धी पोती भांजी भतीजी ब्याह जांदी किसे दी घर वाली चाची ताई मामी भाभी किन्ने रिश्ते हो गए दादी परदादी बन गई हो खत्म कर देने हैं एक धी का कतल तो बाद जिन्नी मर्जी लकीर मंदिर मस्जिद कढ़ी जा गुरु घर जाके कदे दादा सिद्धार हाजी प्रवान नहीं होंगी कौन तो होते प्रमाण जदों तक तो लक्ष्मी ने कदम ने छोटे छोटे थोड़े घर च नहीं पे मसाले
ਜੀ ਲੈ ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਲੋੜੀ ਦੇ ਦੀ ਲੈ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਗਿਆ ਮੂੰਫਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਹਲ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਪਾਚ ਦਊਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ Thank you.
बदल गया तेरे जान दे पिछों नी मेरा मान जा टूट गया धोखा खाने दे पिछों नी मेरा सब कुछ बदल गया तेरे जान दे पिछों नी मेरा मान जा टूट गया धोखा खाने दे पिछों नी हुन प्यार दिया गल्ला तो डर गया लगदा कोई गल नहीं कर दे ना प्यार तेरा भी जो छड़ गए पैसे ली तेरे पीछे उड़ गए जो कर देनी फोटो फोटो कराण गए चार गीत हिट दे के पैरा छटी धोखे तो बड़ा कुछ लिखना सिखाण गए किस्मत कहती तेनू ने भी मिलूगा हौसला तो रख तेन एक पिंड साडे दा मुंडा वे तेरे नाल सी उदों हुंदा वे जद अपनी लगी यारी सी उन्हें करी स्टोरी शेर चन्ना तू मेरे मूरे आ गया फिर चन्ना भी तेरे बटना लाउण दी प्यारी सी खब्बे पासे पैण खड़ी है तेरी वे जेड़ी ओ बेलिया बिच दुश्मन बन गई मेरी वे सजे पासे मां तेरी प्यारी आ जी दे सिर ते फुलकारी आ जी दे मूने वे फटकारी सी एक पिंड साडे दा मुंडा वे तेरे नाल सी उदों हुंदा वे जद अपनी लगी यारी सी मेरी बिगड़ी गल
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜਾਏ ਪੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਖਜੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਖਜੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ सो मेरे नाल मौजूद ने आरदीप रमन जी जिहड़े नैशनल चैनल ते एज एंकर जॉब भी करते हैं ते एज अ सिंगर भी वो वर्क कर रहे हैं सो बहुत ही प्यारी जी आवाज़ है सो पहुँच चुके हैं बीबा बलजीत कौर मोहाली जी वालों तियां दी लोहड़ी मनाई जा रही है जी उन्हां दी दरगाह दे उत्ते सो आओ गलबात करदे हां आरदीप रमन जी नाल सत श्री अकाल मैम हाँ जी सत श्री अकाल जी थैंक यू सो मच मैम लोहड़ी दी वधाइयां तुहानूं भी जी नवे साल दियां ते लोहड़ी दियां बहुत बहुत मुबारकां मैम पहुंचे हो बीबा बलजीत कौर मोहाली जी की दरगाह से बाबा खजूर शाह जी बाबा हजूर शाह जी जिथे की तिया की लोहड़ी मनाई जा रही है बीबा बलजीत कौर मोहाली जी वालों सो की कहना चाहते हो देखो मैं ही कहांगी कि बलजीत कौर मोहाली जी बहुत नेक रूह ने और हर साल अपने दरबार के उत्ते प्यारिया प्यारिया छोटिया छोटिया बच्चिया की जिहड़ी लोहड़ी पाउंदे ने सो मैनू 3-4 साल हो गए लगातार मैं भी इस दरबार के उत्ते आ रही हूँ और उन्होंने नाल इस खास प्रोग्राम के रल के उन्होंने नाल लोहड़ी जिहड़ी असीं तियां दी पाउंदे आ सो दरबार वालों तो बलजीत कौर मोहाली जी वालों प्यारियां प्यारियां बच्चियां नूं गर्म कपड़े खिडौने ते लोहड़ी दा जिहड़ा समान दिता जांदा सो एक बहुत ही शलाघाजोग कदम है क्योंकि इंसान कहिंदे अपने लिए तो जिउंदा आ है ना पर किसे लिए जिउणा बहुत औखा है पर जिहड़ा किसे लिए जिउंदा आ फिर उहदे वर्गा इंसान बनना बहुत औखा है सो मैं बहुत बहुत रिस्पैक्ट करदी हाँ बलजीत कौर मोहाली जी की बहुत अच्छी बहुत नेक रूह ने असीं दिलों सत्कार करदे हां उहनां दा जी विवेकानंद जी कहते हैं कि अक्सर वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं दूजे लिए जीना ही जिंदगी है पर दूजे अजकल कदर नहीं जानते सो गल करांगे अक्सर मुंडिया की लोहड़ी पाई जाती है तो तुसी तियां की लोहड़ी पाते हो पर कितने ना कि अज भी तियां थोड़ा निजात समझा जाता है तियां की कदर नहीं की जाती सो की कहना चाहते जिहड़े अज की डेट के भी तियां नूं टेंशन समझते हैं मैं कहूँगी कि वह सब तो वड्डे मूर्ख ने क्योंकि तियां ते तरेकां हुंदियां रौनक विड़े दी सो जिस घर दे विच धी नहीं ना हुंदी मैं उस घर दे विच इह कहिंदी कि बहुत वड्डी एक चीज़ मिसिंग हुंदी है ना सो अजकल तो मैनूं इह लगदा है कि हर माँ बाप जिहड़े ने उह कहिंदे ने कि जे साडे कोल इक पुत्त है तां रब्बा दूजी औलाद साडी धी होवे है ना क्योंकि धी दे नाल घर दी रौनक ही वक्खरी हुंदी है सो जिहड़े इंसान जिहड़े परिवार अज भी धीआं नूं इक टेंशन दे तौर ते देखदे ने मैं उहनां नूं कहूंगी कि सब तों वड्डे मूर्ख ने क्योंकि धीआं दा सत्कार करना हर एक दे वस दी गल नहीं हुंदी है ना ये कोई जिगरे वाला ही है जिहड़ा कहिंदा कि हाँ भी मेरे घर धी होवे पर धी बिना रौनक नहीं है धियां बिना संसार नहीं है धियां बिना परिवार नहीं है जिन्नी माँ बाप की केयर जिहड़ी है जां परिवार ने धियां करदियां ने पुत शायद उन्नी नहीं करदे सो मैं तो परमात्मा अगे ही अरदास करदी हाँ कि वाहिगुरू ने मैनूं इक पुत दिता है तो जे मेरी दूजी औलाद होवे तो मेरे कोल धी होवे मैम गाँवते बड़ा सोहना बहुत मिठी आवाज़ है तुहाडी सो कुछ लाइना गुनगुना के सानूं सुनाना चाहोगे हाँ जी पल पल जो ज्यों के मर दिए सिर ते अणे आईया जर दिए हाँ सुख लोड़े परिवार दा बन के हो कदे बन के पैण परावां दी औरत है इक नाम वफादा सच्ची तस्वीर वफावां दी औरत है इक नाम वफादा सच्ची तस्वीर वफावां दी औरत वर्गी वफा कितों नहीं लभ सकती सो मैं ही सारे नूं ही कहूँगी कि अपनी बच्चियां दी ते इक औरत दी रिस्पैक्ट दिलों करो तो फिर देखो समाज का जिहड़ा अक्स है ना जे आपां कहिंदे आ वी अज साडा समाज इत्थे पहुँच गया मतलब एक वक्खरा समाज सिर सकदे आ जे असीं औरत दी रिस्पैक्ट दिलों करांगे क्योंकि औरत कहती मैंने प्यार घट कर ली पहला मैं इज्जत दे बिल्कुल मैनू सन्मान चाहिए या प्यार भावें घट मिल जाए सो जिस घर के औरत का सन्मान है औरत नूं लक्ष्मी कहा जाता है उस घर की नुहार ही वक्री होंगी है सो मैं सल्यूट करती हूँ मेरिया भैनों नूं बलजीत कौर मोहाली जी नूं जो कि बहुत वधिया उपराला करते हैं तो क्योंकि मुंडिया की लोहड़ी तो दस्या कि सारे ही मनाने पर धियां की लोहड़ी कोई कोई मना बड़ी वधिया इन्होंने एक रीत जी शुरू की हुई है तो परमात्मा अगे अरदास करती हूँ कि जदों तक सह च सह ने यह रीत इस तरह चलती रहे तो बलजीत कौर मोहाली जी ने वाहगुरु परमात्मा लोक गीत जिनी लंबी उम्र दे कि रेंदी दुनिया तक वह धियां की लोहड़ी जी है मनाते रहन मैम की मैसेज देना चाहोगे इस लोहड़ी से साडे ऑडियंस नूं मैं यही कहूँगी कि पुत जम्मे तो लड्डू वंडिए धी जम्मे तो बर्फी पुत जम्मे तो लड्डू वंडिए धी जम्मे तो बर्फी हुण ने सब दे हक बराबर गल रही ना एक तरफी सो एक जोड़ी है जी पुत ते धी दी सो परमात्मा अगे अरदास करिया करो कि सानू एक धी ते एक पुत घर दे विच जरूर मिले तो उहदे नाल की है कि समाज जिहड़ा है ना एक वक्री ली दे उत्ते चल पएगा और सबनों यही रिस्पैक्ट करूँगी कि बच्चियां नू प्यारियां बच्चियां नू और औरत नू बनदा मान सत्कार दिया करो
ठीक है वो अपने फर्ज निभाती है तो तुम उन्हों बनता माण सत्कार दे के वो फर्ज का उन्होंने होर ज़्यादा मतलब इनकरेज कर सकते हो कि और वह होर जोश के नाल पूरे वो काम करूगी और कहते हैं कि जिस घर औरत की इज्जत है घर परिवार उ होंगे सो मैं सारे यही कहूँगी कि बनता माण सत्कार जोड़ा औरत को देना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सत श्रीकाल मैम। बीबा बलजीत कौर मोहाली जी तियां दी लोहड़ी मना रहे हो, अक्सर मुंडियां दी लोहड़ी मनाई जांदी है ते बीबा बलजीत कौर मोहाली तियां दी लोहड़ी मनांदी है, किवें दा महसूस कर रहे हो? पहले तो जी तिमान चलन नूं मेरे वल्लों सारिया साढ़े मैंबर साहबाना वल्लों साढ़े आर्टिस्टां वल्लों प्यार भरी सत श्रीकाल और बहुत लख लख तुहानूं मुबारकां कि तुसीं समय समय से जिहड़े साढ़े मैसेज ने उस साढ़े दर्शकों तक पहुँचाते हो, बहुत ही वधिया लग रहा जी। और ये चीज़ मैं बयान नहीं कर सकती, मालक ने उस वाहिगुरु जी ने उस अल्लाह ताला मुरशद ने मैनू ये ड्यूटी मेरी लगाई है। सो जिन्हें जब तक साथ चलते ने उदों तक निभाते रहेंगे, बाकी देखो अगे कल का पता नहीं है, अज असी कट्ठे बैठे हैं। सो थानू मे तो बहुत सूझवानी वाली गल साढ़े आरदीप रमन जी ने जो दूरदर्शन चैनल के इंटरनेशनल एंकर भी रहे ने और अज जो बहुत वधिया सिंगर ने, सो उन्होंने थानू सारिया गल्लां दा जिहड़ा निचोड़ दस दिता है कढ़ के, मैनू बड़ी खुशी हुंदी है। देखो गल इस तरह है, नन्नी मुन्नी बच्चिया ने असी जदों जम्मन तो पहला धियां नूं कुखां 'च मार दिंदे हैं, कहिंदे धी बोझ है जी। अज दे युग दे विच धी बोझ नहीं है, तुसी देखो तुसी किड्डी वड्डी ड्यूटी निभा रहे हो, जड़ी तुसी ड्यूटी निभा रहे हो ये बंदियां वाली ड्यूटी है, मर्दानगी वाली। देखो टाइम कितना होया तुसी घर भी जाना, लेकिन जड़ियां आज दे युग दे विच जड़ियां लड़कियां ने बच्चियां ने वो फील्ड सब तो पहले नंबर ते जी हो। सो मैं सैल्यूट कर दी हैं बच्चियां नूं भी, और मैनूं जी हला शेरी मिलती रहती है, मेरे सारे जो क्लब के मैंबर साहबान भी बहुत अच्छे ने, साढ़े दलीप शाह जी और उन्होंने सारी फैमिली भी इतने आगे गए ने, आरदीप रमन जी इन्हों की हलाशेरी होंगी। जे मैं कई बार कोई मिस भी हो जाती ना, मेरा एक थोड़ा मैं गल दस रही हैं, तुम ये मेरा मैसेज बेशक हाईलाइट करके लगा दो। मैं सारे कलाकारों को बेनती करना चाहती हूँ, आरदीप रमन एक फैमिली तो बिलोंग कर दी, उन्होंने बेटा है, हसबेंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं और फिर भी सानू समय समय से सानू याद करवाते हैं कि मैडम असी किसी इस काम तो खुंझ ना जाइए। सो साडे जिहड़े कलाकार भैन भरा ने, देखो असी गवैये किने बनाए हैं, सानू गवैया बनाया किने है, तुसी दर्शकों ने सानू बनाया है। जे असी एक धियां दे वास्ते एक चंगे कम्मां दे वास्ते समां नहीं कढ सकदे ते साडे वास्ते चंगी गल नहीं है। मैं सारिआं नूं बेनती करदी हाँ, देखो मेरी मैनू सारे खड़ दिमाग कहते कहके मेरी गल तुहाडे गोडे लगे गिटे लगे, पर बेनती है एक मैं दरबार वाले बाबे को बेनती भी करनी, बेशक हाईलाइट करके पा दियो भी बेनती है जी चैनल थोड़े विच भी तुसी साढ़े बड़े सारे सत्कारयोग जिहड़े जिहड़े गुरु की गद्दियां जुड़े हुए हो, पीर ऑफ कीरां जुड़े हुए हो, तुसी इदां दा समां कढ के धियां दा जां कोई पिंडां विच सर्वे करिया करो। हुण थोड़ा मेरा शड्यूल बिजी हो गया, अदरवाइज असीं पहलां पिंडां सर्वे करदे हुंदे जा जा के भी किहड़े पिंड दे विच घर गरीब है, किहड़े पिंड दे विच सब तों वध धियां घर दे विच ने। एक बार मैं खिजराबाद का सर्वे किया जी, खिजराबाद पिंड बहुत वड्डा जी, उसे 10-15 हज़ार की आबादी है, उत्थे एक परिवार के चार पाँच बेटियां, असी विशेष तौर पर जग उहदा घर सन्मानित करके आए जी कि धियां बोझ नहीं है, थोड़े आशीर्वाद सदका सिलाई सेंटर भी चलाए रहे पंजाब दे विच। हुण बीते दिन ही 13 बच्चियां दी रीढ़ा कुप दे विच बच्चों की शादी हुई है, आनंद कार्ज होए ने, निकाह होए ने, फेरे होए ने। सो उस मालक ने लाइया हुई ड्यूटियां ने, मैं कहनी तुम सारे दर्शकों को मेरी बेनती है, असी अज देखो किन्ना कुछ सुनते हैं कि फलानी जगह इदा हो गया, धमकानी जगह इदा हो गया, जो असी घर घर मैसेज पहुँचावे, घर घर मैसेज लावे, असी होका देवे भी धियां का सत्कार करो, औरत का सत्कार करो, जड़े बंदे ने जड़े मर्द ने ड्यूटियां करते हैं, नौकरियां करते हैं, दिहाड़ियां करते हैं, तुसी अपने घरों नूं परतदे हो, घर आने हो, थोड़ी घरवाली थोड़ा वेट करती है, थोड़े वास्ते खाना तैयार, थोड़े कपड़े धोती है,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾਜ਼ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਹਮੀਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਮਾਣਾ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਲੌਂਗੀ ਜੀ, ਆਰਦੀਪ ਰਮਨ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜੁਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ 500 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਪੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਫੱਟੇ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਬਟਨ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਡੇ ਪਾੜ ਕੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਰਦੀਪ ਰਮਨ ਜੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਮਯੂਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ, ਦੇਖ ਲਏ ਕਿਵੇਂ। ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਮਯੂਸ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ, ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸੁਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਅੱਜ ਢਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਧੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਭੱਠਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਆਹ ਚਿੱਟੇ 'ਤੇ ਅਮਨ ਮਿੱਦੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਲੋਰੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਫੁਲਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ, ਨਾ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਓ ਲੋਕੋ ਤੀਹ ਧਿਆਣੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਕਰੋ ਚੱਕਰੋ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਗੇ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਲਜੀਤ ਫੁੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਯੋਗ ਬਲਜੀਤ ਫਿੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਗੀਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਸਾਲਾ ਲਾਊਂਗਾ, ਕੁੜੀ ਬੰਬ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਪਟਾਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਰਦੀਪ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਦੀਪ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਨਾ ਪੈਂਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਉਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਅੱਜ ਲਾਰਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਚੰਗਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ ਹੋਕਾ ਇੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਅਮਨ ਹਮੀਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਬੀਬਾ ਬਲਜੀਤ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਰ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਰੂਹ ਨਾ ਕੋਈ ਤੜਫਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੋ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ, ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ ਭਰਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਬੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਲੜ ਖੋਲ ਕੇ, ਬੇ ਹੁਣ ਖਾਬ ਮੇਰੇ ਢਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਖੋਂ ਲੈ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਅੱਖੋਂ ਲੈ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ? ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ।